हमने खो दिए हैं। हमने आप फैक्ट्री के अंदर 16 मजदूर धारवाड़ा के अंदर हमने खो दिए हैं। कनीड़ा के अंदर 16 बच्चे जो हादसे का शिकार हो गए वो खो दिए हैं। हमने आंदोलन के अंदर आपने देखा होगा मुकदमे दर्ज हुए हैं। हमारी बहन बेटियों की जो एक नारा दे के आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उनको सड़कों पे घसीटा गया है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, थानों में बिठाया गया है। हमारे जो औरतों और कर्मचारी लड़ रहे हैं उनको उन पे मुकदमे दर्ज। और हमारे मोदी जी, इसीलिए 10 साल की समीक्षा की बात कर रही हूँ कि 2 करोड़ रोजगार की बात क्या कहे थे साल में, और 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, लेकिन इसी सरकार के जो आंकड़े हैं 2 करोड़ तो दूर 14 करोड़ लोगों को घर बैठा दिया है इन्होंने, ये देखने की जरूरत है। ये महंगाई की बात करके आए थे, आज महंगाई आप देख लो 400 से सिलेंडर 1100 है, आटा दाल चीनी के भाव चरम सीमा पे है। ये गैस की सब्सिडी की बात कर रहे थे, वो सब्सिडी गायब है। और तो और साथियों, या जो बेटी बचाओ की बात कर रहे थे, अभी आपने कल देखा होगा टीवी के अंदर कि किसने बताया बेटियां भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से बचाने की जरूरत है। मेरी बहनों, आपने खिलाड़ी लड़कियों के आंदोलन में देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाला सांसद ब्रिजभूषण शरण वो किस तरह से उनके साथ उत्पीड़न कर रहा था। हरियाणा के अंदर खेल मंत्री संदीप सिंह उसके ऊपर मुकदमा दर्ज। और अब कर्नाटक का जो सांसद है प्रज्वल रवेना, जो एचडी देवगढ़ पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका पोता वाके गुल खिलाड़िया है, यह भी सुन लो, 3000 महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया है, उसने यौन उत्पीड़न किया है। यह रिकॉर्ड उसकी खुद की वीडियो है, खुद की, जब ब्लैकमेल करता था। और उसके खिलाफ प्रधानमंत्री देश के चुनाव में उसको वोट देने की अपील कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो है ये पार्टियां हैं इनकी, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि वो जो इस तरह के गुंडे हैं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। हालत सा बहनों, मैं एक बात जरूर कहूंगी, आप मेरी बहनों थोड़ा सा घर को देख लो, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे अब इन गाड़ियों में बैठ बैठ के जाएंगे, वो हमारे बच्चे जो 18 साल से 15 साल से 22 साल तक के, और हम सोचेंगे कोई नहीं फलाने गल जा रहा है कि मैं तो सीखेगा, लेकिन वो जो फलाना है वह गाड़ी में दारू की बोतल और उसमें पेप्सी कोका कोला और उनकी गैर पैसे, भाई तुम जो जी करे खूब मस्ती करो और हमारी जय जय करते फिरो, लेकिन वो 10 दिन करेंगे, उसके बाद वो बच्चे घर में आके हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो बच्चे हमारे बेकार हो जाएंगे, और उनको जो दारू की जो कैंपा कोला की आदत पड़ जाएगी वो हम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए साथियों, हमारे नौजवान बच्चों का भविष्य भी इस समय पे खतरे पे है। इसीलिए जो बार बार चुनाव की बात कर रहे हैं, अब हमें बाकी काम छोड़ के जहाँ भी हम रहते हैं मोहल्ले में गली में, मैं तो जहाँ भी निकलती हूँ ना वही निकलते, बोले कड़े चाली में ब्याज भाई मोदी नारायण चाले हैं, बोले अभी मोदी ने क्या कर दिया, मोदी ने बहुत कुछ कर दिया, क्या क्या नहीं किया, नाश कर दिया इन्होंने। आप जब शुरू करो तो मैं कहती हूँ एक आदमी से बात होते जितने भी लोग होते वो सारे विरोध में उतरते हैं, क्योंकि एक भी काम को ये नहीं बता सकता कि इसने अच्छा किया हो, हर आदमी पीड़ित है। इसीलिए आप लोग भी आंगनवाड़ी आशा मिड डे मील सफाई कर्मचारी ग्रामीण चौकीदार और हमारे इंडस्ट्री का कर्मचारी सरकारी एम्प्लॉइज आपका कितनी हर जगह पे हम लोग सब हैं, अगर हम 10 लोग इकट्ठे होके काम में चुकर दे चक्कर काट ले बीजेपी हराओ देश बचाओ, भाई उनकी बार वोट नहीं देंगे हम इनको, हम जो है वोट देंगे जो बीजेपी को हराने का कैंडिडेट है। और इस समय खुल के हम ये बताना चाहते हैं CITU ने तमाम हमारे जो संगठन है एटक का और दूसरे हमारे जो बिरादराना संगठन है, हम सब ने ये निर्णय लिया है, और वो बाकी अनिल जी भी बताएंगे कि अब की बार अपने क्योंकि भुगत्या है, इसीलिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हम
वोट डालने की अपील लोगों से भी करेंगे और खुद भी करेंगे, और जितनी ताकत में हम उनका समर्थन कर पाए, लोगों को वोट डालने में उतार पाए, उतनी ताकत हमारी खुद की भी बढ़ेगी। तो इसीलिए साथियों, इंडिया गठबंधन का मेरा कैंडिडेट कौन है, इस समय पे कल घोषणा हुई है कांग्रेस का राज बब्बर जो एक्टर है, फिल्म स्टार, उसको कांग्रेस ने टिकट दी है और इसीलिए हम उसको वोट देंगे। ये हमारा खुला निर्णय है। दूसरी बात, या मत सोचियो बेबे कि भी रविंद्र जी तो मेरे मौसा था, ना के भाई के करूं, मेरे घर के नाते थे ना। इस समय हमने देख लिया कि वह रविंद्र जी कै बार सांसद बना है। आप सारी यूनियन के लोग हो, अब तो चलो कम होंगे, अपने हजारा की संख्या में भी आशाओं ने, आंगनवाड़ी ने, मिड डे मील ने उनका पारने गए, कदे पाया हुआ एक दिन भी नहीं मिला, और कदे पार्लियामेंट में हमारे लिए कभी कोई आवाज उठाई हो, नहीं उठाई। इसीलिए सारे अपा एकता करके इंडिया गठबंधन से जवाब मांगते हुए उनको अपा वोट देंगे, ताकि फिर उसके बाद उसका अपा जो है थोड़ा नट कर सका, भाई वोट दिए थे, जिताने में मदद करी है, अब ये नीतियां भी हमारे हक की बढ़नी चाहिए, या दबाव अपन दे सकते हैं। लेकिन इन गुंडों पे तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो झूठ है, इतना बोला है कि आपने देख लिया कि हर रोज झूठ। तो इसीलिए साथियों, आप सब लोग इस समय चुनाव की बात करें, राजनीति की बात करें, राजनीति में किसको हमने देना है वोट, इस समय मोदी भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ का नारा है। इस नारे के तहत हम लोगों में जाएंगे, और अब जो है ना, यूँ मत सोचो कि भाई आज हो गई अगला प्रोग्राम होगा चल जावांगे, प्रोग्राम ही अपने रोज बना लो, रोज चलना है अपने। आंगनवाड़ी वाली जितनी अपनी आवे अपने दौरे लाभार्थी सब ने बोलो भाई क्या हाल चाल है तेरा, बेबे नाश कर दिया, किसने कर दिया, मोदी ने, तो मोदी से वोट कर देनी थी। दूसरा जो है, आशा वर्कर घर घर में जाती है, 1000 घरों के ऊपर आशा वर्कर है, तो भाई अपना कितना बड़ा कुड़बा है, कितना बड़ा कुड़बा है, नीचे का कुड़बा हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का, हमारे इंडस्ट्री के वर्करों का, तो ये छोटा कुड़बा नहीं है, हम अपनी ताकत को आके देखें। तो इसीलिए कई लोग क्या है बोले, कौन है राज बब्बर, निशान कौन सा है, हाथ का निशान है, हाथ का हाथ पे मोर ला रही है, इब के बार फूर्ती जो है जबर नीचे उल्टा गिरना है। इसीलिए इस फूल को भगाओ और हमें जो है मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताओ, ये मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उषा सरोज जी का।